हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, समेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं। इस पर एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं मैं, लेकिन इस वीडियो में खास बात यह है कि इसमें हम डेसिमल, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एवं मल्टीप्लिकेशन भी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और भी क्लियर आप हो जाएंगे जब इस वीडियो को देखेंगे। हालांकि एक वीडियो आपको पहले से मिल चुकी है इस पे, उससे आपको और भी क्लियरिटी रही होगी, लेकिन ये और भी क्लियर कर देगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये पेज ओपन हो चुका है, हमको जाना है व्यू पर। यहाँ पर आपको दो व्यू दिखेंगे, एक डिजाइन व्यू और एक डेटा शीट व्यू। तो आपको डिजाइन व्यू पे क्लिक करना है, और यहां पे मैं लिखता हूं एरिथमेटिक। आगे मैं सिर्फ एरिथमेटिक ही रहने देता हूं, इसी नाम से हमने टेबल क्रिएट कर ली है। अब यहां पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट की आईडी, ठीक है। क्या लिखूंगा? स्टूडेंट की आईडी लिखूंगा। तो स्टूडेंट आईडी कर देता हूं मैं, और इसको रहने देता हूं मैं ऑटो नंबर, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आकर के यहां पर स्टूडेंट का नेम दे देते हैं, तो स्टूडेंट नेम, ओके, क्लियर होगा। अब दिक्कत यह है कि अगर हम वैलिडेशन इसमें कुछ लगाना चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि 10 जो अल्फाबेट है, 10 वर्ड्स हैं, इससे ज्यादा कोई ना लिख सके, तो यहां आप 10 दे सकते हैं, ठीक है। 255 जो ये लिखा हुआ है, 255, इसकी जगह आप 10 दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको छोड़ता हूं, अभी ये टॉपिक नहीं है हमारा, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। यहां पर अब तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स, तो मैं यहां पे ज्यादा सब्जेक्ट नहीं लूंगा, 2 या 3 सब्जेक्ट लूंगा, ताकि आपको आसानी से ये चीजें बता सकूं। तो हिंदी, कंप्यूटर और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट ही मैं ले लेता हूं, ताकि मैं, जब हमने कर दिया इंग्लिश, ओके, इंग्लिश को करने के बाद यहां पर अब इसका करेंगे हम टोटल। क्या करेंगे? टोटल करेंगे, ठीक है। तो टोटल यहां से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर मैं निकालूंगा एवरेज इसका, ठीक है। ये सारी चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन हम यहां पर बात करने वाले हैं डेसिमल की। तो अब यहां पे एवरेज भी निकाल दिया हमने, अब इसी को हम इसमें मल्टीप्लीकेशन भी सीखेंगे। तो दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन मैं लिखता हूं यहां पे, ठीक है। यहां पे डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हमें कराना है, ठीक है। अब यहां पे डिवीजन लिखता हूं, और यहां पर हमको डेसिमल नंबर का डिवीजन कराना है, ठीक है। हम डेसिमल नंबर का डिवीजन कराएंगे, ओके। और यहां पर मैं लिखता हूं सब्ट्रैक्शन, और हम डेसिमल नंबर का सब्ट्रैक्शन करवाने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए, अगर आप सीखना चाहते हैं ये सब। तो थोड़ी देर कॉन्सेंट्रेट रखिए अपने आप को, और थोड़ी देर में आप ये सब सीख पाएंगे। तो चलिए यहां पे हिंदी को मैं कर देता हूं यहां पे नंबर डेटा टाइप, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं नंबर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैं नंबर कर देता हूं, ठीक है। इसको भी रखेंगे हम नंबर, ठीक है। और यहां पर भी रखेंगे हम नंबर, ठीक है। इसको भी रखेंगे नंबर, सबको हम नंबर कर देंगे, ओके। तो यहां पे कर देता हूं नंबर, और यहां पे भी कर दूंगा मैं नंबर, और इसको भी एटलीस्ट हम नंबर रखेंगे, और इसको भी नंबर ही रखना होगा, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं आप लॉन्ग इंटीजर आ रहा है, इस पे क्लिक करिएगा, यहां पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको दिख जाएगी, आपको यहां पे चूज करना है डेसिमल। ध्यान रखिएगा कि अभी मैं सब्ट्रैक्शन में डेसिमल चूज कर रहा हूं, ठीक है। तो क्लिक किया हमने इस पे, तो ये हो गया डेसिमल, ओके। अब यहां पे आ रहा है प्रिसीजन, यह स्केल दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है स्केल, प्रिसीजन के ठीक नीचे आप देख सकते हैं स्केल दिया हुआ है, ठीक है। तो स्केल में हम कर देंगे 3, ये डेसिमल पॉइंट्स 3 तक ये ले लेगा, ठीक है। यानी सब्ट्रैक्शन को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब आते हैं हम डिवीजन पर, ठीक है। तो ये लॉन्ग इंटीजर को वापस से हम बनाएंगे डेसिमल, ओके। और डेसिमल बनाने के बाद फिर हम यहां पे स्केल पे आएंगे, और इसको बना देंगे 3, ठीक है। हमारा काम बहुत आसान हो गया। अब हम चलेंगे फिर वापस मल्टीप्लीकेशन पे, और इसमें भी कुछ ऐसी ही एक्टिविटी हम करेंगे, जाएंगे डेसिमल पे, और यहां पर स्केल को बना देंगे हम 3, ओके। तो यहां पे 3 बना दिया स्केल को, और डिवीजन में भी चलेंगे, और डिवीजन में जाकर के और वापस से हम इसके बाद हम जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन में ऑलरेडी हम बना चुके हैं। एवरेज में चलेंगे हम, एवरेज को भी हम बना देंगे डेसिमल, यहां से हमने किया डेसिमल, और यहां पर रखेंगे हम स्केल में 3। मैं 3 क्यों रख रहा हूं, क्योंकि 3 पॉइंट तक ये डेसिमल कैलकुलेट कर सके, दैट्स वाई, ओके। अब यहां टोटल पे आएंगे, और टोटल को भी मैं बना दूंगा डेसिमल, ठीक है। यहां से गए हम और डेसिमल कर दिया इसको, और यहां से स्केल को मैं बना दूंगा 3, ठीक है। ये सबको मैं 3 3 रख रहा हूं,
और यहां से इसको भी वही चीज सेम प्रोसेस। तो ये 3-3 स्केल हमने कर दिया है पूरा, ओके। और इन सबको नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। स्टूडेंट आईडी को ऑटो नंबर रखा है, ये खुद से नंबर जनरेट करता जाएगा। यहां पर आप आएंगे ऑटो नंबर पे, तो आप देख सकते हैं यहां पे इंक्रीमेंट लिखा हुआ है, तो आपको यहां इंक्रीमेंट ही रखना है। और आप चाहते हैं कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना आए, तो यहां पे नो डुप्लीकेट, ठीक है। इसे बना दिया प्राइमरी की, तो डुप्लीकेट आने का तो सवाल ही नहीं। तो आप चलेंगे यहां पे व्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये सेव करने को बोलेगा। यहां पर इसे हमें करना है सेव, यस। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से हमें दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है। अब हमें क्वेरी बनानी है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेरी बनाते हैं, क्रिएट पे चलते हैं, क्वेरी डिजाइन पे चलते हैं। और हमारे पास ये अरिथमेटिक नाम का टेबल है, आप देख सकते हैं इसे ऐड करवा दीजिए इसे। और पहली वैल्यू ऐड हो गई, ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ऐसे करके हम पूरा ये एक एक चीज ऐड करा देंगे, ठीक है। तो टोटल एवरेज, अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन, ओके, मल्टीप्लीकेशन के बाद यहां पे डिवीजन एंड नाउ सब्ट्रैक्शन, ओके। तो इन सारी चीजों को ऐड कराने के बाद यहां पे टोटल पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और जूम व्यू पे आ जाएंगे। यहां पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं फॉन्ट की साइज, ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े, ओके। तो यहां जूम व्यू पे आकर के यहां लगाना है आपको कोलन, ठीक है। और यहां पर जो सब्जेक्ट हमने लिए थे, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स को आपको करना है सेलेक्ट, ठीक है। पहला सब्जेक्ट हमारा कौन सा था, हिंदी, तो यहां पे उसी वे में हमें हिंदी लिख देना है। तो यहां लिख दिया हमने हिंदी, प्लस का निशान लगाया, और अब हमें करना है कंप्यूटर, तो यहां लिखा हमने कंप्यूटर। ये सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, बस आप ध्यान दीजिएगा कि जैसा लिखा है वैसे ही लिखिए। और उसके बाद हम करेंगे इंग्लिश, तो ये तीन ही सब्जेक्ट हमारे पास हैं, इन्हीं तीनों का अब हमें आगे चल करके एवरेज भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको ओके प्रेस करेंगे हम, तो ये हो गया हमारा टोटल, ठीक है। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फिर बताता हूं। एवरेज का मतलब होता है कि जितने आपके आपकी जो सब्जेक्ट हैं उनको ले लीजिए आप, उनके टोटल को ले लीजिए, और टोटल को लेने के बाद कितने सब्जेक्ट हैं उतने नंबर से आप उसे डिवाइड कर दीजिए। यानी मैं यहां लिखता हूं टोटल ऑब्लिक 3, यानी कि ऑब्लिक नहीं है ये अपॉन 3 है, ठीक है। 3 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि 3 सब्जेक्ट ही, वी हैव 3 सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई मैंने यहां 3 से इसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करें, तो मैं इन्हीं में से दो नंबर्स को लूंगा और इन्हीं में से दो नंबर्स का, यानी दो सब्जेक्ट का या तीन सब्जेक्ट का मल्टीप्लीकेशन आपको करा के दिखाऊंगा। मल्टीप्लीकेशन तो तीन सब्जेक्ट का भी हो सकता है, तो यहां तीन सब्जेक्ट मैं लूंगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर राइट क्लिक करता हूं, जूम व्यू पे आ जाते हैं हम, और यहां पर मल्टीप्लीकेशन भी करके आपको दिखा देता हूं इन तीनों सब्जेक्ट्स को इंटू, ये इंटू जो है ऑपरेटर है, दैट्स व्हाई इसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। और ध्यान रहे कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही बनाना है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट आप यूज ना करिएगा, या आप कर्ली ब्रैकेट भी यूज नहीं करिएगा, ठीक है। तो यहां पे हिंदी लिख लिया हमने, इसके बाद इंग्लिश लिखेंगे। ये सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, अगर कंप्यूटर है तो उसके पहले आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जैसा लिखा है वैसा ही आप लिखेंगे, ठीक है। और ये कंप्यूटर, तो ये हमने कंप्यूटर भी कर दिया है। अब ये मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो डेसिमल नंबर्स के अगर हम देते हैं तो वो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहां ओके प्रेस किया हमने। अब हमको आना है यहां पे और देखना है कि हम डिवीजन कैसे करा सकते हैं, ठीक है। तो आइए डिवीजन पे चलते हैं, और यहां पे राइट क्लिक मैं करता हूं और जूम व्यू पे से ले लेता हूं, ठीक है। अब दो ही नंबर्स का हम डिवीजन करा सकते हैं, दैट्स व्हाई मैं यहां पर हिंदी ऑब्लिक, अब यहां पे क्या करता हूं कंप्यूटर से इसको डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। यहां पर आप कोई नंबर ले सकते हैं, बहुत ही इजीली कोई नंबर भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां मैं इसे कंप्यूटर से डिवाइड करता हूं, क्योंकि मैंने ये ले रखा है, तो मैं एक तरीका बताता हूं, एक वे बताता हूं कि ऐसे आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहां तक आ गए हम, अब हमको चलना है सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। तो यहां सब्ट्रैक्शन पे राइट क्लिक करके मैं जूम व्यू पे इसे ले लेता हूं, और जूम व्यू पे लेने के बाद यहां पर लगाऊंगा कोलन, ओके। फिर यहां पर हमें एक सब्जेक्ट के मार्क्स से दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स को माइनस करना है, ठीक है। तो कोई भी दो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं आगे पीछे करके, तो पहले मैं इंग्लिश ही ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां इंग्लिश लिया हमने और इसको माइनस करेंगे, किससे, कंप्यूटर से माइनस करेंगे, और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, कितना हमें मिल रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम। यहां ओके प्रेस करेंगे और अब हमारा सब कुछ बन करके तैयार है, इसे रन पे क्लिक करेंगे तो ये रन भी हो जाएगा। अब यहां पर कोई रिकॉर्ड हमारे पास है नहीं, तो हमें यहां पर रिकॉर्ड इंसर्ट कराने होंगे,
तो चलिए यहां पे मैं लिखता हूं राम, ठीक है, ये स्टूडेंट का नाम है और इन्होंने गेन किया 60 मार्क्स हिंदी में, 50 मार्क्स कंप्यूटर में और 80 मार्क्स गेन किया इन्होंने इंग्लिश में। तो देखिए ये कोई एरर वैल्यू नहीं है, ये कॉलम छोटा पड़ जाता है, दैट्स व्हाई ये ऐसा एरर आता है। यहां पे देखिए मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन होकर के हमारे सामने आ चुका है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि डिवीजन जो आया हुआ है हमारा वो पॉइंट में आया हुआ है, तो आप इसको इस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि डेसिमल में कन्वर्ट करना, और यहां पे एवरेज भी देख सकते हैं आप कि ये डेसिमल में आया हुआ है। ओके, अब यहां पर मैं दूसरे स्टूडेंट का नाम लिखता हूं श्याम, और यहां पर मैं करूंगा 56 88 56। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डिवीजन यहां पर ये देखिए ये जो है पॉइंट में आया हुआ है डिवीजन, ठीक है, और ये जो पॉइंट में डिवीजन आया हुआ है और सब्ट्रैक्शन यहां पे माइनस में आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ यहां होता हुआ सा नजर आ रहा है, क्योंकि हमने यहां पर जो माइनस किया है एक सब्जेक्ट को वो कम है और दूसरा सब्जेक्ट जो है ज्यादा है, तो कम से ज्यादा को अगर माइनस करेंगे तो माइनस में आना तय है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये सब कैसे हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और आपको उम्मीद है कि स्केल का भी मतलब